Hi all, welcome to Colors in Clay with Anshu. Today I am sharing the video tutorial on this glass painting. इस ग्लास पेंटिंग पे आज मैं वीडियो ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ. ये इट्स वेरी इजी पेंटिंग, बहुत ही इजी पेंटिंग है एंड इवन किड्स कैन डू इट एंड बिलीव मी दे विल एंजॉय डूइंग इट. सो लेट्स सी व्हाट आर द मटेरियल्स वी नीड फॉर दिस पेंटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ ओएचपी शीट और ग्लास. ये तो आप ग्लास ले सकते हैं या ओएचपी शीट ले सकते हैं. आई वुड प्रिफर ओएचपी शीट क्योंकि ओएचपी शीट इट्स वेरी इजी टू हैंडल एंड किड्स कैन ऑल्सो वर्क ऑन इट. बच्चों के साथ में डर नहीं रहता है. कांच के साथ बच्चे अगर कांच पे काम करते हैं तो थोड़ा डर रहता है कि उससे कांच टूट जाएगा या कुछ होगा, लेकिन ओएचपी शीट इज वेरी इजी टू हैंडल. इसके साथ में ये रिस्क नहीं होता. ऑलराइट. और ये कोई भी स्टेशनरी शॉप पे बहुत ही इजीली मिल जाती है. आई थिंक 4 or 5 rupees पर शीट के अकॉर्डिंग ये मिलता है. सो फर्स्ट थिंग इज दिस ओएचपी शीट. सेकेंड इज द फोटोकॉपी ऑफ द डिजाइन. जो भी डिजाइन आप ग्लास, जिस भी डिजाइन से आप ग्लास पेंटिंग करना चाहते हैं वो डिजाइन, ग्लास कलर्स. यहाँ मैं ये वाले ग्लास कलर्स यूज कर रही हूँ. दीज आर वॉटर बेस्ड ग्लास कलर्स. ऑलराइट. और इसी में इसका लाइनर भी आता है, फेविक्रिल लाइनर, वो इसी के साथ आता है. ठीक है. एंड अ ब्रश एंड एक्रेलिक कलर्स फॉर द डिटेलिंग, दैट इज ऑप्शनल. अगर आप चाहें तो आप ले लीजिए, अदरवाइज देयर इज नो नीड. ठीक है. एक्रेलिक कलर्स एंड ब्रश दिस इज ऑप्शनल. ये केवल हमें डिटेलिंग के लिए चाहिए होता है. अगर इफ यू वॉन्ट टू यूज दैट्स ओके, अगर नहीं करना चाहे तो यू कैन अवॉइड. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. ग्लास पेंटिंग के लिए सबसे पहले हम अपना फोटोकॉपी लेंगे डिजाइन का और उसके ऊपर ओएचपी शीट रखेंगे. जनरली हम जब भी कोई और वर्क करते हैं या कोई और पेंटिंग करते हैं तो हम जिस भी बेस पे आप पेंटिंग कर रहे हैं उसके ऊपर आप अपना फोटोकॉपी रखते हैं और उसके बाद में आप ट्रेस करते हैं. लेकिन ग्लास पेंटिंग में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है. ठीक है. इसमें हम जो जिस चीज पे आप वर्क कर रहे हो वो ऊपर होगा. ठीक है. जैसे कि आपकी यहां पर ये है ओएचपी शीट या फिर ग्लास जिस पे भी आप वर्क कर रहे हैं वो, और उसके नीचे आप अपना डिजाइन रखेंगे. ठीक है. इस तरह से फिर इसको मास्किंग टेप की हेल्प से हम लोग सील कर देंगे सो दैट कि जब हम वर्क कर रहे हैं तो हमारे डिजाइन मूव ना हो. और उसके बाद में हम ग्लास लाइनर से इसकी आउटलाइनिंग करेंगे. ओके. ओके. तो सबसे पहले हम मास्किंग टेप लेंगे और इसकी हेल्प से फोटोकॉपी और ओएचपी शीट को इस तरह से लगा देंगे इस पर, ओएचपी शीट और इस फोटोकॉपी को लेकर साथ में उस पर हम लोग मास्किंग टेप लगा देंगे सो दैट जो भी डिजाइन है वर्क करते वक्त वो डिजाइन मूव ना हो. ठीक है. ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम काम करें तो ये पेपर मूव ना हो. ठीक है.
ये देखिए, ये इस तरह से हमने डिजाइन और ओएचपी शीट को ज्वाइन कर दिया है। अब जब हम लोग इस पे वर्क करेंगे तो ये अपनी जगह से मूव नहीं होगा। नाउ एक ग्लास कलर्स में इस तरह से ये आता है आउटलाइनर, ग्लास कलर आउटलाइनर, ठीक है। अब ये लेके अब हम इस पूरे डिजाइन की आउटलाइन कर लेंगे। इसका कैप रिमूव कर देना है फर्स्ट। आप अगर इसके साथ में वर्क करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इसके कंटेंट्स को कोन में एम्प्टी करके और फिर उससे भी वर्क कर सकते हैं। पहले हम इसे चेक कर लेंगे एक रफ पेज पे कि सही से इसका पॉइंट बन रहा है या नहीं। ये देखिए, ये इस तरह से वर्क करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसके आउटलाइनिंग करना शुरू करेंगे। ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट नहीं करना है, अगर क्योंकि अगर आप नीचे से स्टार्ट करते हुए फिर ऊपर लेके आओगे तो आपके हाथ से वो जो भी आउटलाइन है वो खराब हो जाएगा, खराब हो सकता है। ऑलराइट, सो हमेशा ऊपर से स्टार्ट कीजिए और फिर नीचे आइए। ये फ्लावर है, देखिए। हाँ, आराम आराम से करना है आउटलाइनिंग, कोई जल्दी नहीं है। मेक श्योर कि आउटलाइन कहीं भी ब्रेक ना हो, ठीक है, कहीं से भी ब्रेक ना हो, क्योंकि जब हम इसमें ग्लास कलर्स फिल करेंगे अगर वो ब्रेक होगी तो कलर्स बाहर निकल जाएंगे। तो ये कहीं से भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए।
आउटलाइनिंग इज डन नाउ. अब हम लोग इसे ड्राई होने देंगे. वी विल लेट इट ड्राई कम्प्लीटली एंड वंस इट ड्राइज, जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा देन वी विल स्टार्ट फिलिंग कलर्स इन इट. ठीक है, उसके बाद में हम लोग ये ग्लास कलर्स इसमें फिल करेंगे. ये ड्राई हो चुका है और वी विल स्टार्ट फिलिंग द कलर्स. हम लोग ये कलर लेंगे. अब इस बॉटल को आपको शेक नहीं करना है ना. जब भी आप कलर फिल कर रहे हो इसको, बॉटल को शेक मत कीजिए. अगर आप शेक करोगे तो इसमें बबल्स आ जाएंगे जो कि आपकी पेंटिंग पर फिर दिखाई देंगे. ठीक है, इस तरह से कलर्स को फिल करना है. ठीक है, अगर ये बबल्स आ भी जाते हैं तो हम इसे टूथपिक या फिर पिन की हेल्प से हटा देंगे इस तरह से. अगर बबल्स आ जाते हैं कलर फिल करते वक्त तो पिन की हेल्प से आप बबल्स को रिमूव कर देंगे, इन्हें पॉप कर देंगे ये इस तरह से. ये जब कलर ड्राई होगा उसके पहले ही रिमूव कर देना है, अदरवाइज ये रह जाएंगे. अगर कलर ड्राई हो जाएगा तो फिर ये रिमूव नहीं हो पाएंगे. Now I am taking golden yellow color. For the dress, I will be using pink, red and orange.
अगर इसके टिप पर कलर करते करते कई बार होता है कलर जम जाता है, ठीक है, इसके टिप पर, तो आप एक रफ क्लोथ की हेल्प से उसे रिमूव कर सकते हैं। जस्ट वाइप इट ऑफ यूजिंग अ रफ क्लोथ। ओके, ये नोजल के टिप को क्लीन कर लीजिए। ये बबल्स को हम रिमूव कर देंगे। बबल्स कलर ड्राई होने के पहले रिमूव कर दीजिए, क्योंकि अगर कलर ड्राई हो जाएगा उसके बाद में बबल्स रिमूव नहीं हो पाएंगे। सो नाउ वी आर डन विथ फिलिंग ग्लास कलर्स। तो अब हम इसे ड्राई होने देंगे पहले कम्प्लीटली, और उसके बाद में हम गर्ल की ड्रेस में थोड़ा डिटेलिंग करेंगे। ऑल राइट, सो हियर इन ब्रांचेस आई हैव यूज्ड ब्राउन कलर, ब्राउन कलर, ओके, दिस वन। एंड फॉर द फ्लावर्स आई यूज्ड पिंक, एंड फॉर लीव्स ग्रीन, ग्रीन कलर। ऑल राइट, अब जब ये ड्राई हो जाएगा पूरी तरह से, उसके बाद में हम गर्ल की ड्रेस में डिटेलिंग करेंगे, थोड़ा सा डिटेलिंग वर्क होगा उसमें। नाउ आई एम टेकिंग दिस येलो एक्रेलिक कलर एंड विद दिस विल गिव अ लिटिल बिट ऑफ डिटेलिंग इन गर्ल्स ड्रेस।
फ्लावर्स में भी बीच बीच में एक डॉट लगा देंगे येलो कलर से। And now it's complete. See, अब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसके पीछे आप या तो व्हाइट पेपर लगा सकते हैं या फिर एल्यूमिनियम फॉइल भी लगा सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल के साथ में भी अच्छा लुक देता है। आई विल शो यू हाउ। सी, दिस इज द लुक विथ व्हाइट बेस। व्हाइट बेस के साथ में ये लुक है। नाउ आई विल शो यू द लुक विथ एल्यूमिनियम फॉइल। ये एल्यूमिनियम फॉइल लगा के सी, this is how it will look with the aluminium foil. All right, so thanks for watching.